वेलकम टू बिजी लाइफ स्टडी यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम विथ ए टैग लाइन चार दिन में फोड़े ओके और तीन दिन हमारा इन चार दिनों में चला गया है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि जब मैं आपको अकाउंट के जितने भी सिलेबस हैं उन सारों को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगी एमसीक्यू क्वेश्चंस के तहत, जिसमें दोनों बच्चे लाभार्थी होने वाले हैं, वो बच्चे पहले जिनका प्रिपरेशन हो गया है और वो रिवीजन करना चाहते हैं तो इन एमसीक्यूज के तहत वो रिवीजन कर सकते हैं, पर वो बच्चे जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ किसी कारणवश, इन एमसीक्यूज के तहत उनको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और एमसीक्यूज के तहत मैं सारी चीज़ों जितने भी सिलेबस हैं अकाउंटिंग के सारे कवर करवा दूंगी ओके। आधे से अधिक सिलेबस को मैंने कवर करवा दिया है ओके। अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें आधे से अधिक सिलेबस कवर्ड है, प्लस पिछली के भी पिछली वीडियोस देखिए तो मैंने भर भर के आपको एमसीक्यूज अकाउंटिंग के करवाए हैं और वो इतने सिंपल लैंग्वेज में करवाए हैं कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ओके। तो अगर आप और अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 2x की स्पीड लगाइए और चीज़ों को एक बार ज़रूर देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इसको सेलेक्ट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। मैंने जो भी मुझे लगा कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, प्लस वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने उसी क्वेश्चंस को डाले। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट, मैं सारे क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाती जाऊंगी, प्लस क्वेश्चंस ध्यान से देखिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे ओके। तो ध्यान रखिए मेरी बातों को और स्टार्ट करिए पढ़ना। तो क्वेश्चंस है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई, दो मिनट बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एसेट मस्ट बी ऑथराइज बाय, वो डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड है एसेट को परचेज करने से, वो हमेशा ऑथराइज होना चाहिए किससे, तो सीनियर मैनेजमेंट से ओके। मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, ऑप्शंस नहीं लिखे एमसीक्यूज में, वो इसलिए क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है। ऑप्शंस पढ़ के चीज़ों को, उसे क्या कहते हैं, हाँ, कंफ्यूजन में मत रहिए। मैंने ऑप्शंस बस वहीं लिखे हैं जहाँ ऑप्शंस समझाने की ज़रूरत है ओके। हालांकि कहीं कहीं कभार ऑप्शंस लिखा भी है, चलिए देखते चलेंगे उसमें क्या है। क्वेश्चन टू देखिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या देखा हमने कि द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एसेट मस्ट बी ऑथराइज होना चाहिए किससे, तो सीनियर मैनेजमेंट से ऑथराइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइटम सच एज अ सेल स्लिप, अ चेक, चेक की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, आपको स्पेलिंग का कुछ करना नहीं है, पुलाव या अचार नहीं डालना, आपको पढ़ना है और बस जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए, छोड़िए। जब मैं लिख रही थी ना, मुझे लगा कि ये मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, बट मैंने सोचा करना ही क्या है, पढ़ना है अभी मेन, वहाँ स्पेलिंग लिखने को नहीं बोला जा रहा ओके। चलिए, आइटम सच एज अ सेल स्लिप, अ चेक, अ बिल, और इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बोलूँगी, मुझे अभी और नोट्स आपके लिए बनाने हैं, कल तक, कल शाम तक मैं आपके साथ रहूँगी ओके। और अगर नहीं, शाम तक तो पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका ओके। खैर चलिए, तो क्वेश्चन टू देखते हैं, काफ़ी बातें हो गई। आइटम सच एज अ सेल स्लिप, अ चेक, अ बिल और इनवॉइसेस आर एग्जांपल ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल कौन कौन है, सेल स्लिप, ए चेक, ए बिल और इनवॉइसेस, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या, मान लीजिए आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए बिजनेस का, कुछ खरीदा, कुछ परचेज किया ओके। तो इसका कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, जैसे कि कोई, मान लीजिए कुछ सेल किया तो उसका सेल स्लिप, या फिर कोई बिल, या फिर इनवॉइस ही, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, यही सोर्स डॉक्यूमेंट है ठीक है। तो
सेल्स स्लिप, चेक, बिल, इनवॉइसेस, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवाइस ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग, तो ये जो है इसमें से कौन है एडवाइस एम्प्लॉय अर्निंग का? तो पे स्लिप जो है वो है एडवाइस किसका? एम्प्लॉयज अर्निंग का। ऑब्वियसली पे स्लिप ही होगा एम्प्लॉय की अर्निंग का, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक इज ड्रॉन अपॉन, चेक कहाँ से ड्रॉन हो सकता है? तो ऑब्वियसली बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू, डेप्रिसिएशन जो है किसके थ्रू प्रोवाइड होता है? तो वो ट्रांसफ़र वाउचर के थ्रू डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड होता है। ओके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ट्रांसफ़र वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाउचर, इसमें से कौन वाउचर नहीं है? रिसीप्ट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है, जर्नल वाउचर होता है, हमने देखा भी है, रिसीप्ट वाउचर रिसिप्ट के लिए होगा, पेमेंट वाउचर पीछे के एमसीक्यूज में मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई, जर्नल वाउचर भी, लेकिन लेजर वाउचर जैसा कुछ नहीं होता। ये क्या लिख दिया, तो लेजर वाउचर हमारा गलत हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वाउचर के अंदर आती हैं। ओके, ट्रांसफ़र वाउचर भी होता है हमारा, लेकिन लेजर वाउचर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन डैट इंटेल्स मल्टीपल डेबिट क्रेडिट एंड वन क्रेडिट डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। यहाँ देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से, अरे यार ये वीडियो को क्या हो गया, ओके फाइन अब ठीक हो गया। वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, वो वाउचर जो रिकॉर्ड करता है एक ट्रांजेक्शन को, डैट इंटेल्स जो इंटेल करता है क्या, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट और या फिर वन क्रेडिट और डेबिट, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कंपाउंड वाउचर। वो वाउचर रिकॉर्ड करता हो वो ट्रांजेक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट हो या फिर एक डेबिट क्रेडिट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल डेबिट क्रेडिट, ठीक है, या फिर वन क्रेडिट डेबिट, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वाउचर, ठीक है। कंपाउंड वाउचर इज द वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन डैट इंटेल मल्टीपल, ओके, ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स वगैरह एंड वगैरह, वो हो जाएगा क्या? कंपाउंड वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाउचर रिलेट्स टू, वाउचर रिलेट है किससे? कैश रिसीट से, कैश पेमेंट से, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से या ऑल से? तो वाउचर जो है उसमें कैश रिसीट भी होता है, कैश पेमेंट भी होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो कुल मिला के वाउचर में सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या? कैश रिसीट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी वीडियोस मैं अकाउंटेंसी की डाल रही हूँ, पहले की अगर देखे रहेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, और अभी अगर देख रहे हैं आप वीडियो, तो बहुत ज़रूरी है कि पीछे से शुरुआत करें, ओके, क्योंकि मैं सिलेबस बाय सिलेबस आगे बढ़ रही हूँ। ये टॉपिक हो गया, देन ये टॉपिक, देन ये टॉपिक, देन ये टॉपिक, देन ये टॉपिक, तो सारी चीज़ों को मैं समझाते हुए चल रही हूँ, ओके। तो समझाते हुए चलने से क्या होता है कि अगर आप आधे से पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और ये क्या चार मुंडी वाला बन गया, खैर इसको मिटा दीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर परचेस्ड फर्नीचर, हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन जो चार मुंडी जहाँ बना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ओके, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। अ ट्रेडर परचेस्ड फर्नीचर फॉर द बिजनेस फॉर रुपीज़ इतना एंड आल्सो पेड इतना एज कैरेज, कह रहा है एक ट्रेडर था, उसने ख़रीदा फर्नीचर बिजनेस के लिए, कितना रुपये का? 20,000 रुपये का, एंड आल्सो पेड, और क्या किया? 800 रुपया पे किया कैरेज में। अब लाने में तो खर्चा लगेगा, खुद तो टांग के लाएगा नहीं फर्नीचर, ले आया, 800 रुपया खर्चा हो गया। तो जब कैपिटल एसेट वगैरह में खर्चा की जाती है, ओके, तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताए हैं ये सारी चीज़ें। तो जब कैपिटल एसेट वगैरह में चीज़ें इस तरह होती हैं, जब खरीदी जाती है बेचने के लिए, तो जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा लगी सब जुटती है, ओके। तो ये सोच लीजिए आपको कि 20,000 प्लस 800 जोड़ दीजिए, तुरंत ही जोड़ दीजिए, नहीं भी जोड़िए तो आगे देखते हैं क्या करना है, उसके बाद जोड़ेंगे।
द अकाउंटिंग वाउचर टू बी प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. अब जो अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, उसमें क्या होगा? यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, रुपीज़ की. क्रेडिट पर तो लिया नहीं गया है, किस पे लिया गया है? कैश में. और जब कैश पे लिया जाएगा तो डेबिट होगा. तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, द अकाउंटिंग वाउचर, जो वाउचर बनाया जाएगा अकाउंटिंग का इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें क्या होगा? कैश पे ट्रांजेक्शन होगा, ध्यान रखिए कैश पर ट्रांजेक्शन होगा तो डेबिट का होगा. तो कैश पर ट्रांजेक्शन हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनेगा? डेबिट का वाउचर बनाया जाएगा. डेबिट वाउचर ऑफ रुपीज़ कितना? 20,800 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया डेबिट का वाउचर बनाया जाएगा. अब ऑप्शन में आपको बाहर एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्रेडिट वाउचर, फलाने वाउचर, धमकाने वाउचर, लेकिन आपको याद रखना है कैश पे अगर चीज़ें हुई हैं तो वो डेबिट का वाउचर बनेगा और कैपिटल जो एसेट है वो सारी चीज़ें जुटेंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऐसा बंदा बिगड़ गया. खैर, वाउचर रिलेट्स टू, वाउचर जो है रिलेट्स टू कौन से रिसिप्ट? कैश रिसिप्ट के लिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑप्शन है, वाउचर रिलेट टू कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या ऑल. तो भाई वाउचर तो सारे के लिए रिलेट है, ओके, कैश रिसिप्ट के लिए भी, कैश पेमेंट के लिए भी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए भी और ऑल के लिए भी. खैर, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, बहुत आसान था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेडर आस्क्ड हिज अकाउंटेंट टू विथड्रॉ ₹12,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़. एक ट्रेडर था, उसने अकाउंटेंट को कहा कि रुपए निकाल लो 12,000, कहाँ से? बैंक से, फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए. अब कह रहा है नेम द वाउचर, ये वाउचर बताइए डैट द अकाउंटेंट विल प्रिपेयर. अब इस पैसे निकालने के लिए अकाउंटेंट जो है वो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेगा, उसका नाम क्या है? डेबिट वाउचर या चेक वाउचर या क्रेडिट वाउचर या नन? कोई नाम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई. डेबिट सॉरी नन मतलब इसमें से तीनों में से कोई नहीं. डेबिट वाउचर नहीं, चेक वाउचर नहीं, सॉरी चेक वाउचर नहीं, बस चेक. क्रेडिट वाउचर नहीं. एक्चुअली में एक होता है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके बारे में मैंने पीछे के वीडियोस में पढ़ाए हैं. कॉन्ट्रा एंट्री, अगर आपने मेरे पिछले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद आएगा कि कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, कॉन्ट्रा होती है चीज़ें, मतलब इसमें बैंक प्लस जो आपका कैश है वो दोनों अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो जब बैंक और कैश दोनों अफेक्ट होता है, क्यों अफेक्ट हो रहा है आप खुद देखिए, क्योंकि वो कह रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए निकालो. ठीक है, ये बिजनेस के नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जा रहा है. कॉन्ट्रा एंट्री होती है उस वक्त जब बैंक और कैश दोनों अफेक्ट होता है. ठीक है, तो ये जो है ना डेबिट वाउचर होगा, ना चेक वाउचर, ना चेक, ना क्रेडिट वाउचर, ये क्या होगा? ये होगा कॉन्ट्रा वाउचर. ओके, चलिए अगर मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर नहीं लिखा, लेकिन अगर लिखा रहेगा तो आपको वही टिक लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ ट्रेडर डिपॉजिटेड 40,000 इन बैंक. एक ट्रेडर था, उसने डिपॉजिट कर दिया 40,000. द अकाउंटेंट नीड टू प्रिपेयर अ सोर्स डॉक्यूमेंट. अब अकाउंटेंट जो है उसे एक सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है विच विल एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन. और क्या एक्ट करेगा एज एविडेंस, इस ट्रांजेक्शन के एविडेंस को क्या एक्ट करेगा, क्या मतलब क्या बनेगा एज ए एविडेंस ऑफ ये जो ट्रांजेक्शन होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन, 40,000 इन बैंक, बैंक में वो ट्रेडर डिपॉजिट कर रहा है. तो क्या इसका सोर्स डॉक्यूमेंट जो अकाउंटेंट है वो, उसको क्या जरूरी होगा? नीड, द अकाउंटेंट नीड टू प्रिपेयर सोर्स डॉक्यूमेंट
और उसके लिए जब वो अकाउंटेंट इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बनाएगा तो एविडेंस के तौर पे क्या यूज़ करेगा, पे इन स्लिप। ओके, जहाँ ऑप्शन में आपको दिखे पे इन से, ऑब्वियसली स्लिप चाहिए उसे, तब तो वो एविडेंस रखेगा। ओके, हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज़ एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, वन ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज प्रिपेयर। कह रहा है कि जब इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है किसी इंश्योरेंस कंपनी से। अब ये क्वेश्चन ना, अगर आप APFC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मे बी उसमें भी पूछ दें। ओके, तो कह रहा है व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज़ एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, जब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट किया जाता है, वन ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज प्रिपेयर, तो उसमें से इसमें से कौन सा वाउचर प्रिपेयर किया जाता है? ओके, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, नन, इसमें से कोई नहीं। देखिए नन पे टिक लगाइएगा आप, क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर होगा? वो होगा डिस्चार्ज वाउचर, क्योंकि डिस्चार्ज करना है अब चीज़ों को, पैसों को, ठीक है, वो डिस्चार्ज का है, डिस्चार्ज की बात आ गई, तो डिस्चार्ज वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा, ना कि डेबिट। डेबिट कहाँ से आ गया भाई, क्रेडिट ट्रांसफर कहाँ से आया, ये सारी चीज़, डिस्चार्ज वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा वो जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक, वो सारे टॉपिक ख़त्म हो गए। यहाँ पे हमारा जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस आ गया, ठीक है। जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस के अंदर चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बकवास तो नहीं, मैं कुछ बताती आपको, पर छोड़िए, क्वेश्चन ही देखिए आप। अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज, देखिए क्या है, 9,500, इट्स सेटल्ड बाई फाइनल पेमेंट ऑफ 9,000, हाउ विल इट अफेक्ट द कैपिटल। कह रहा है कि एक क्रेडिटर था, अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 9,500 का क्रेडिटर था, और वो बातचीत करके सेटल कर लिया गया 9,000 में, हाउ विल इट अफेक्ट द कैपिटल। अगर आपको पीछे की आवाज़ें सुनाई दे रही है तो वो कुत्ता है जो भौंक रहा है, वो मेरा कुत्ता नहीं है लेकिन वो भौंक रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रात का वक्त है तो कुत्ते भौंकेंगे, आपको पढ़ना है। खैर, हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि एक क्रेडिटर ऑफ 9,500 सेटल हुआ बातचीत करके 9,000 में, तो वह इफेक्ट कैपिटल को कैसे अफेक्ट करेगा ये चीज़, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न जानिए, पहले कहानी जानिए। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा, जब अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो हमारा जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हमें कितना का हो गया, 500 रुपये हमारा बच गया, कि 9,500 का चीज़ था और फाइनल पेमेंट उस पर 9,000 कर दिया गया हमने, बातचीत करके बार्गेनिंग करके 9,000 कर लिया, तो हमें क्या हो गया, 500 का मुनाफा हो गया। और जब ये मुनाफा हुआ हमारा, तो ये एक तरह का हमारा इनकम ही तो हुआ, तो ये जो हमारा इनकम हुआ ये इससे इंक्रीज़ हो गया, और ये इनकम इंक्रीज़ हुआ तो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ बाई 500 हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही, डिक्रीज तो होगा ही नहीं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, उसको क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ये वो बुक होता है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ अकाउंट मीन्स, अब अकाउंट के बैलेंस का मतलब क्या है, अकाउंट के बैलेंस का मतलब होता है, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे क्योंकि चीज़ें आपको डायरेक्ट समझनी, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट के टोटल में हम देखेंगे डिफरेंस, तो वो होगा अकाउंट का हमारा बैलेंस। ओके, तो बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स क्या हुआ, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू मशीन, अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ऑफर्ड बाई। अब देखिए कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस का जो अग्रीमेंट होगा वो इज ऑफर्ड बाई, कैसे होगा वो, तो देखिए
कैसे होगा? अगर ये जो दो साइड हम बनाते हैं ना ट्रायल बैलेंस में, अगर एक साइड में एरर हो गया तो क्या होगा? ये जो है अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ऑफर्ड बाई ओनली अगर एक साइड में एरर होगा। अगर मान लीजिए दोनों साइड में एरर होता है तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए यहाँ एक जगह आपने 200 लिखा, यहाँ नहीं है तो 200 फिर आप यहाँ लिख देंगे। तो बोथ जगह अगर एरर हो तो कहीं यहाँ अगर एरर नहीं है, यहाँ एरर कर दिया। लेकिन अगर ओनली वन साइड एरर होगा, ठीक है, तो अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंसेस क्या हो जाएगा? ऑफर्ड बाई कैसे? वन साइड एरर ओनली। आपको समझ में आ रहा था ना मैं क्या बता रही थी? मुझे लगता है कि मैंने इसे समझा दिया। ओके, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये अच्छे से समझा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है हालांकि समझ में आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस शोज़ द, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? फिनेंशियल पोजिशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का, किसी भी अकाउंट का फिनेंशियल पोजिशन कौन शो करता है, सॉरी फाइनल पोजिशन कौन शो करता है? ट्रायल बैलेंस शो करता है, ठीक है, बैलेंस फाइनल पोजिशन ही तो शो करता है ना हमारा। ट्रायल बैलेंस शो करता है फाइनल पोजिशन अकाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जर्नल, जब कोई एंट्री जर्नल में हम करते हैं तो क्या होता है? अकाउंट टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। तो सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ जब एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया आपका तो ऑप्शंस बहुत रहेंगे। ओके, मान लीजिए आपका हो गया कि फलाने चीज़ को हम पहले डेबिट करेंगे, फलाने चीज़ को पहले लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आ गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जर्नल, कोई भी जर्नल में जब कोई भी, जब जर्नल में कोई भी एंट्री आती है, हम लोग एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट है वो लिस्ट करना है सबसे पहले। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाय नरेशन, सारा हर एक जर्नल जो है, जो अब हम करते हैं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं। और ईच अकाउंटिंग इन लेजर इज ओपन इन सेपरेट पेज, और सारा अकाउंट जो है जो लेजर में है वो ओपन होता है एक सेपरेट पेज पे। मतलब कि यहाँ, मतलब मान लीजिए एक सेपरेट पेज पे, इस सेपरेट पेज पे मैंने लिखा सेलिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया परचेजिंग, ठीक है, तो इस तरह सब सेपरेट सेपरेट पेज पर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा अभी का वीडियो। अपने अगले वीडियो में और भी सारी चीज़ों को करेंगे, हालांकि जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी से और इस पर काम करना है। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।